हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं कैंप से कुछ 5 किलोमीटर दूर है नीलकंठ। हम निकल चुके हैं, हमारे आगे हमारे जो दोस्त हैं उनकी भी 2 गाड़ियां आगे 4 किलोमीटर दूर है। जैसे ही हम पहुंचेंगे 15-20 मिनट बाद, ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट बाद हम पहुंचेंगे और बताएंगे कि मंदिर में हम सुबह जाके दर्शन करेंगे अभी सुबह सुबह, और वहाँ से सीधा हम नोएडा की तरफ निकलेंगे अपने ऑफिस की तरफ। देखते हैं कितनी देर लगती है वहाँ पहुँच के। आपको फिर से मिलता हूँ। अभी हम देखिए नीलकंठ मंदिर जा रहे हैं कैंप से। मैंने कहा था कि जैसे बहुत लोग आए हुए हैं, देखिए बाबा के दर्शन करने लोग आए हैं, और थोड़ा हम पैदल चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भीड़ है और मंदिर के आसपास भीड़ लगी नहीं है। पार्किंग में हमने लगा दी गाड़ी थोड़ा, हालांकि पार्किंग है नहीं, और थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखा दिया, ये देखो। और हम निकल रहे हैं अभी, देखिए रास्ते पे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे रास्ता बीच में कैसा है। नीलकंठ जाते समय बीच बीच में आपके यहाँ देखिए मार्केट आएगी, छोटी छोटी है, यहाँ से आप पूजा का सामान ले सकते हैं। बहुत सारी दुकानें हैं, ज़रूरी नहीं है कि मंदिर के आसपास, वहीं से ले। बहुत सारी दुकानें हैं, आपको जहाँ पे सूटेबल लगे और जो चीज़ लगे। देखिए यहाँ पे सब कुछ है, पूरा थाली सजी हुई है, तो आप कहीं भी आइए यहाँ से सामान ले जाइए मंदिर के लिए, कहीं से भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस दुकान से लेना, उस दुकान से पर्टिकुलर। रास्ता अच्छा है, हम थोड़ा पैदल चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे है। ये देखिए इस तरह का व्यू है, आप ज़रूर आएँ। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं कैंप की साइड में तो आप मंदिर आ सकते हैं, अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा। जो लोग नहीं आए उनके लिए तो डेफिनेटली अच्छा ही एक्सपीरियंस रहेगा। जैसे मैं नहीं आया हूँ, पहली बार ही आ रहा हूँ, तो उस चक्कर में आप आ सकते हैं पहली बार ही, और आके मंदिर करें, दर्शन जरूर करें। मंदिर करके हम फिर वापस सीधा नोएडा की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमारी कुछ बाइक्स वहाँ खड़ी है, तो सीधा उन्हीं के पास सीधा जाएंगे। लोकल मार्केट है, अच्छी मार्केट है नितिन, मार्केट अच्छी लग रही है यार। बहुत अच्छी मार्केट है नीलकंठ मंदिर की, आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, यहाँ पार्किंग भी साइड में आप गाड़ियाँ लगा लेते हैं, मतलब अच्छा एम्बियंस लग रहा है यहाँ पे, मतलब अच्छा है। मंदिर से पहले आप तो सामान बहुत अच्छा है, हाइट पे है मंदिर, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी है, तो टोटल देखा जाए तो बहुत इंजॉय वाला है, भगवान जी के दर्शन भी हो जाते हैं। देखिए टी शर्ट भी दिखे हुए, ओम नमः शिवाय, जय जय महादेव, हर देव, हर तरह के यहाँ पे एक छोटी मोटी एक जो यादगार चीज़ें हैं कि हाँ भाई हम इधर आए थे और हमने यहाँ से कलेक्शन लिए, तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं मार्केट आके, हर तरह की छोटी मोटी मार्केट है यहाँ पे। हाँ, पहुँच चुके हैं हम यहाँ पर। एंट्री करने से पहले, गेट से पहले, आपको यहाँ जो दुकानें हैं यहाँ से प्रसाद लीजिए, हाँ जूते उतारिए, चप्पल उतारिए, सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। और क्योंकि मंदिर यहीं से, मंदिर का जो प्रांगण है वो यहीं से शुरू है, तो यहाँ पे हम जूते उतारेंगे यहाँ पे और यहाँ से पैदल जाएंगे। हम जमा करवा रहे हैं, देखिए जूते यहाँ पे, जूते जमा करवाने के बाद हम सीधा मंदिर जाएंगे। देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं और काफ़ी भीड़ भी लग रही है मुझे, तो मार्केट आए ज़रूर आए यहाँ पे। और देखिए अभी हम पहले पैदल चलेंगे नीचे, रास्ता आपको मैं बीच पे दिखाऊंगा कि कैसे है। यहाँ पे जमा करो और ले जाओ। ये हम निकल चुके हैं नीचे मंदिर की ओर, दोनों साइड अच्छी अच्छी दुकानें हैं, ये देखिए अच्छी अच्छी दुकान है। हमने इस तरह की थाली बनवाई है, कितने की थाली भाई? 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये की थाली है। और ये देखिए इस तरह का रास्ता है, मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा, हर जगह दुकानें ही दुकानें हैं सब जगह। ये देखिए बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, सारा सबने सारा सामान लिखाया, बच्चे भी आए हुए हैं खेल रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, यह मंदिर के लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं, देखिए
बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे भी मार्केट है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, सीधा मंदिर की तरफ जा रहे हैं। देखिए मंदिर में आ चुके हैं, सब अपने अपने मन्नत मांग रहे हैं। आप भी आए तो जरूर मन्नत मांगिए, बहुत अच्छा है। देखिए अभी ज़्यादा फोटो खींच नहीं सकते, यहाँ पे मना लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह का देखो, आप अपनी मन्नत मांगिए इस तरह से और जाएं और जरूर यहाँ पर आके मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब हम निकल रहे हैं वापस गाड़ी की ओर, अब दिल्ली निकलेंगे। अगर रास्ते पे कहीं हम रुकेंगे या लंच करेंगे तो मैं बताऊँगा। बहुत मान्यता है इस मंदिर की और आप आए, भोले बाबा आपको यहाँ आशीर्वाद देंगे, आप ज़रूर आए यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे भी मार्केट ही मार्केट है। और निकल रहे हैं हम वापस अपनी गाड़ी की ओर, कर रहे हैं हमारी गाड़ी की उधर रोड पे खड़ी है। मेरी गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया, इसलिए हम तीसरी गाड़ी नहीं लाए, दो गाड़ियों में हमने एडजस्ट करा है और जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये बाहर आउटसाइड आने का ये है, इनसाइड आने का वो था। घंटी बजा लेता हूँ। वापस आ गए हैं, अब जहाँ से हमने जूते जमा करवाए थे वहाँ से ऊपर आ चुके हैं। यहीं से हम गए थे इन, यहीं से हम आउट आ रहे हैं वापस गेट से। आप आए और अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा नीलकंठ मंदिर में, ज़रूर आए आप। यहाँ पे मिलते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम पहुँच चुके हैं दिल्ली। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं अपना वीडियो बीच रास्ते पे नहीं बना पाया, क्योंकि गाड़ी मैं ही ड्राइव कर रहा था और रास्तों में बहुत ही ज़्यादा जाम था, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए वीडियो बनाने का मुझे मौका नहीं मिला। जैसे ही मुझे मौका मिला, जब मैं घर पहुँचने वाला हूँ, तो मैंने वीडियो बनाया। हालांकि हम 2 बजे निकल गए थे अपने कैंप से और यहाँ आते आते हमें लगभग 11:30 बज गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो कि रास्ता 272 किलोमीटर के आसपास का है हरिद्वार से ऊपर जहाँ हम कैंप रुक रहे थे, और यहाँ आने में कम से कम हमें 8 से 9 घंटे लग गए जस्ट बिकॉज ऑफ जाम। तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब बाद में कंस्ट्रक्शन के अगर ठीक हो जाएगी तो आप हमारा जो रास्ता है बहुत स्मूथ रहेगा दिल्ली टू ऋषिकेश। फिलहाल आप मेरे इस ट्रिप को कैसा अच्छा लगा, कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये ट्रिप पसंद आया कि नहीं आया। और मैं अभी कुछ दिनों में फिर घूमने जाऊँगा, तो उसके नए नए वीडियो आपके लाता रहूँगा। और आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हाँ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा। से गुड बाय, गुड नाइट।